गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट इन द क्लास 11th सब्जेक्ट मैथ्स एंड टुडे वी विल स्टडी अबाउट द फंक्शन आफ्टर स्टडीइंग द रिलेशन। हमने अभी कंप्लीट पढ़ लिया है कि रिलेशन क्या होता है और रिलेशन जो है वो उसकी बेसिक टर्म को कंप्लीटली समझ लिया है। अब हम यहाँ समझने जा रहे हैं कि आखिर फंक्शन क्या होता है और फंक्शन हम कैसे समझेंगे रिलेशन से, वो हम यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कि व्हाट इज फंक्शन। क्वेश्चन हमारा ये उठता है व्हाट इज फंक्शन, तो मैं आपको बता दूं अ फंक्शन इज अ रिलेशन। सिंपली डेफिनेशन जो है फंक्शन की, फंक्शन क्या होता है तो आपको क्या समझना है, अ फंक्शन इज ए रिलेशन। अब कौन सा रिलेशन है तो फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए दिमाग में, कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जाए हमारा, व्हाट इज, सबसे पहले क्वेश्चन क्या होता है, व्हाट इज फंक्शन, तो फंक्शन क्या होगा, तो डेफिनेशन किसकी क्या होती है, फंक्शन इज ए फंक्शन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। अभी हम देखेंगे कि इसमें क्या क्या होगा और कैसे होगा, ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। तो क्या हो गया, फंक्शन आपका एक स्पेशल टाइप का एक रिलेशन हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अ रिलेशन इफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, अगर आपके पास मान लीजिए ये दो सेट मैंने यहां तैयार कर दी, एक का नाम है ए है, एक का नाम बी है, और ये दोनों जो है वो नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी का मतलब जानते हो, कोई ना कोई एलिमेंट दोनों के अंदर है, मान लो 1 2 3 इसमें हो गया, 4 हो गया इसमें, ए बी सी डी हो गया, ठीक है। और ये रिलेशन होता है ए से बी पर फंक्शन जो है, जैसा कि अपने डेफिनेशन के अकॉर्डिंग पढ़ा कि एक फंक्शन जो है वो स्पेशल टाइप का रिलेशन, लेकिन एक फंक्शन है तो रिलेशन ना, तो हम जहां यहां आर लिखते थे वहां मैंने लिख दिया एफ, एफ इज ए फंक्शन, बट सबसे पहले हम इसको क्या कहेंगे कि एफ यहां पर क्या है, एक रिलेशन, ओके, एफ स्पेशल टाइप का एक रिलेशन हो गया। अब आगे पढ़ते हैं कि एक रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए टू बी इज सेट टू बी ए फंक्शन, आप उस रिलेशन को क्या कह सकते हो, फंक्शन कह सकते हो। कब कह सकते हो, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट ए का हर एक एलिमेंट, क्या बोला है कंडीशन में, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी कि ए का हर एक एलिमेंट, उसके लिए सेट बी में आपको एक फिक्स्ड इमेज मिलनी चाहिए, कोई ना कोई आपको क्या, एक फिक्स्ड इमेज क्या होनी चाहिए, इमेज यानी कि वैल्यू मिलनी चाहिए, यानी कि आपका सेट ए का हर एक एलिमेंट सेट बी में कहीं ना कहीं क्या होना चाहिए, इमेज फॉर्म कर लेना चाहिए, ओनली वन एंड ओनली वन। समझ में आ रही बात आपको। अब यहां पर अपन बात करते हैं कि कंडीशन उसने ये रख दी है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, क्या रिलेशन में ऐसा होता था क्या, तो इस रिलेशन में ये बात आपको ध्यान रखनी है कि रिलेशन में जरूरी नहीं होता था कि सेट ए के सारे एलिमेंट हो। समझ में आ रही बात, रिलेशन में ये रिलेशन तो है लेकिन स्पेशल टाइप का रिलेशन है, स्पेशल मतलब कुछ तो स्पेशल होगा ना, तो इसमें स्पेशल क्या है, इसमें स्पेशल यही है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट होगा, सेट किसका, ए का हर एक एलिमेंट क्या होगा, कनेक्ट होगा, कहां कनेक्ट होगा, सेट बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट होगा, लेकिन कंडीशन ये कि ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होंगे, है ना। मैं मेरी डेफिनेशन में एक और मेरे सेंस से समझा रहा हूं कि ए के हर एक एलिमेंट कनेक्ट होगा, आप कनेक्टिंग से समझिए, ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट होगा, कहां कनेक्ट होगा, बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो जाए, है ना। तो यहां पर बात आती है कि इफ एवरी एलिमेंट, तब जाके अगर ए का हर एक एलिमेंट जो है बी के किसी न किसी एलिमेंट से कनेक्ट हो जाता है, बी के किसी न किसी एलिमेंट से क्या हो जाता है, कनेक्ट हो जाता है। सपोज मैं आपको करके बता देता हूं, 1 ए से कनेक्ट हो गया, 2 डी से कनेक्ट हो गया, 3 सी से हो गया, 4 बी से हो गया, हर एक कोई ना कोई एलिमेंट आपको यहां पर क्या हो रहा है, कनेक्टिंग मिल रहा है। ए के सारे हो गए क्या, बी के हो या मत हो उससे मतलब नहीं, ए के मान लो मैं यहाँ ई और बढ़ा दूं, तो इस सेकंड सेट में, यहां पर सेकंड सेट में ये जो आपको नजर आ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सेकंड सेट में
मैंने यहां पर आपको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करी है। तो यहां ये जो आपका सेकंड एलिमेंट था, यहां मैंने ई और इसके अंदर बी के अंदर ले लिया है ना। तो ए बी सी डी ई तो बी के अंदर और ए के अंदर मैंने 1 2 3 4 लिए। तो ए का हर एक एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए किसी न किसी एलिमेंट से, होना चाहिए। ए के सारे एलिमेंट कनेक्ट होना चाहिए, ए का एक भी नहीं छूटना चाहिए, याद रखना। कब? जब हम इस रिलेशन को क्या बोलेंगे? फंक्शन बोलेंगे। लेकिन अगर ये रिलेशन होता है तो जरूरी नहीं कि सारे के सारे एलिमेंट, ओनली अगर रिलेशन की बात करें नॉट ए फंक्शन, तो जरूरी नहीं कि ये सारे के सारे एलिमेंट उसके अंदर है। ओनली इन द रिलेशन सम एलिमेंट्स ऑफ द सेट ए कैन बी टेकन, बट इन द फंक्शन, बट इन द टर्म ऑफ फंक्शन, बट इन द केस ऑफ फंक्शन इट इज नेसेसरी टू टेक ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द सेट ए। फंक्शन के अंदर ये जरूर होगा कि सेट ए का हर एक एलिमेंट जो है वो सेट बी में कोई ना कोई क्या करेगा, एलिमेंट से कनेक्ट हो। ठीक है, हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, उसकी केवल एक और एक ही इमेज होगी। एक और एक ही इमेज का मतलब ये है कि एक के लिए अगर यहाँ पे ये इमेज फिक्स्ड हो गई तो यहां हम बात करते हैं थोड़े इस कॉन्सेप्ट को अपन आगे चलते हैं और वहां अच्छी तरीके से उसको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ें, है ना। उसकी एक क्या होती है? अपनी एक फिक्स इमेज होती है, ठीक है ना। अपनी एक फिक्स इमेज होती है का मतलब ये होगा कि एक यहाँ ए से कनेक्ट हो गया तो एक अब बी से कनेक्ट नहीं हो सकता। समझ में आ रही क्या बात? क्या बात है कि ए के लिए आपको दो इमेजेस नहीं मिल सकती, है ना। जैसे दो, दो किससे कनेक्टेड? डी से। तो दो डी से कनेक्टेड, दो अब ई से कनेक्ट नहीं हो सकता। हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए क्या मिलेगी आपको? इमेज मिलेगी, एक फिक्स्ड इमेज मिलेगी, हैज ओनली वन एंड ओनली वन। तो एक अगर ए से कनेक्ट हो गया तो एक, फंक्शन के अंदर की बात कर रहा हूं, एक अगर ए से कनेक्ट हो गया तो एक जो है वो बी से नहीं हो सकता, सी से नहीं हो सकता, डी से नहीं हो सकता, ई से नहीं हो सकता। क्या कहना है ना, ये कंडीशन है किसकी? फंक्शन की। अब आगे चलते हैं, ये पूरा आपको समझ में आ गया। सेकंड पॉइंट की बात करता हूं, इन अदर वर्ड्स। अब अदर वर्ड्स क्या कहते हैं? देखो, फंक्शन एफ इज ए रिलेशन जो कि हमने पहले ही पता कर लिया, फ्रॉम नॉन एम्प्टी सेट ए टू नॉन एम्प्टी सेट बी, ये भी हमको याद है क्योंकि दोनों के अंदर एलिमेंट है। सच दैट द डोमेन ऑफ एफ, अब चक्कर ये पड़ गया, कल मैंने आपको, इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको डोमेन और रेंज पूरी अच्छी तरीके से समझा रखी थी। डोमेन क्या होती है? जैसे आपका कोई रिलेशन होता है ना, उस रिलेशन के अंदर जो भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं, समझ में आ रही बात, 1 2 3 4 5 6, तो इनका जितने भी करस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट उनका सेट कहलाता है डोमेन। कौन आ जाएगा? 1 3 और कौन आ जाएगा? 5। ये हो गई हमारी डोमेन। फिर इसके बाद में रेंज की बात करें तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी? 2 4 और 6। जैसा ये हम रिलेशन के अंदर की बात करें, लेकिन इसने कहा कि अब जब हम फंक्शन की बात कर रहे हैं तो फंक्शन के केस में डोमेन जो होती है वो कौन होता है? सेट ए। डोमेन कौन हो जाएगा? सेट ए, सेट ए के सारे एलिमेंट। समझ में आ रही? यानी कि सेट ए पूरा टोटल क्या हो जाएगा? डोमेन हो जाएगा। और रेंज में कौन? कि फर्स्ट सेट के एलिमेंट्स जो हैं सेकंड सेट में जिस एलिमेंट से कनेक्ट हो रहे हैं उन सभी का जो सेट होगा वो रेंज होगा। तो रेंज कौन सी हो जाएगी? 1 ए से कनेक्ट है, 2 बी से, मतलब बी सी डी कनेक्टेड है, ए बी सी डी, ये हो जाएगी आपकी रेंज हो जाएगी, है ना। तो फंक्शन की डोमेन होता है फर्स्ट सेट टोटल, एंड नो टू डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर इन एफ हैव सेम फर्स्ट एलिमेंट। क्या कहा है इसने? चलो अपन थोड़ा सा और यहाँ डिटेल में बात कर लेते हैं। फंक्शन एफ जो है उसके अंदर कौन कौन आएगा? 1a 2d 3c और आ जाएगा आपका 4b। समझ में आ रहा है क्या? 1a 2d 1a 2d 3c 4b। तो यहां आप जो देख रहे हो ये फंक्शन के अंदर सारे क्या निकल गए? ऑर्डर्ड पेयर आ गए। ये फंक्शन के अंदर क्या आ गए? ऑर्डर्ड पेयर आ गए।
अब फंक्शन के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर आ गए हैं, है ना। तो फंक्शन ये कह रहा है कि फंक्शन के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आएंगे ना, उन ऑर्डर्ड पेयर के कभी भी, कितने ही ऑर्डर पेयर आ जाओ, कभी भी दो ऑर्डर्ड पेयर के करस्पोंडिंग एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट कौन से, फर्स्ट फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होंगे। कभी भी उनके करस्पोंडिंग, कोई भी दो ऑर्डर्ड पेयर उनके करस्पोंडिंग फर्स्ट एलिमेंट कभी भी क्या नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। अगर होता है तो फिर वो फंक्शन नहीं है। जैसे 2d और एक और आ जाए 2e, तो ये बात वहां पे अपोज कर रही, फर्स्ट फर्स्ट पॉइंट का अपोज कर रही, क्योंकि फर्स्ट पॉइंट कहता है कि सेट ए का हर एक एलिमेंट के लिए वन एंड ओनली वन इमेज होना चाहिए। समझ में आ रही बात आपको, कि यहां पर जो भी ऑर्डर पेयर बनेगा फर्स्ट एलिमेंट कभी भी उस ऑर्डर पेयर का सेम नहीं होगा। तो इसका मतलब एक बात और आपको समझ में आ रही है कि अगर ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होगा, इसका मतलब सेकंड एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है। तो सपोज कि अगर सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है, तो हम यहां बात कर रहे हैं, जैसे मैंने टू को यहां से हटा दिया, मैं टू को वापस लेके जा रहा हूं ए पर। अब मेरा जो ऑर्डर्ड पेयर बनेगा, आप देखो ना, वन ए टू ए, क्या बोला उसने, उसने ये बोला था कि फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं होना, सेकंड हो सकते, तो ये फंक्शन होगा, फंक्शन होगा, क्योंकि इसके सेकंड एलिमेंट सेम है, फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है। ठीक है, तो एक बात ये पता चलती है कि फंक्शन के केस में एक फर्स्ट सेट का, फर्स्ट सेट का कोई भी एलिमेंट दो इमेजेस नहीं बनाएगा। ठीक है, कोई भी एलिमेंट दो इमेजेस नहीं बना सकता, किसी एक एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं हो सकती, लेकिन दो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट की फंक्शन में क्या हो सकती है, सेम इमेज हो सकती है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट है, कोई भी एलिमेंट की दो इमेजेस नहीं होगी। जैसे एक जो है वो ए से कनेक्टेड है, तो एक अब बी से कनेक्ट नहीं हो सकता, लेकिन दो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है, दो डिस्टिंक्ट डिस्टिंक्ट एलिमेंट जो है वो सेम इमेज बना सकते हैं। तो फंक्शन के अंदर एक बात पता चल गई, क्या पता चल गई, कि टू डिस्टिंक्ट एलिमेंट फॉर्म्ड द सेम इमेज, बट ओनली वन एलिमेंट कैन नॉट फॉर्म द टू डिस्टिंक्ट इमेजेस। ये स्पेशल टाइप का हमारा रिलेशन, जिसको हमने क्या बोला है, फंक्शन बोला है। आगे के पॉइंट पर चलते हैं, तो यहां लिखा है इफ एफ इज ए फंक्शन, अगर एफ आपका एक फंक्शन है, फ्रॉम ए टू बी जो ए से बी पर है, एक ऑर्डर्ड पेयर ए बी जो कि एफ में है, हम एफ में ए बी मान लें, सपोज एफ कंटेंट द ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू सेट ए एंड बी बिलोंग्स टू सेट बी, देन एफ ए इज इक्वल टू बी, इट मीन्स दैट वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज, सपोज ए बी का मतलब होता है कि आपने सेकंड एलिमेंट जहां लिया, जैसे कि ये ए इमेज है, अब ये किसकी इमेज है, तो ये वन की इमेज है। मैं अभी टू को फिर से वापस से डी से कनेक्ट कर देता हूं, है ना, ये अब टू, ये जो डी वाला एलिमेंट टू से कनेक्टेड है, डी किसकी इमेज है, टू की, एफ टू की इमेज, एफ टू मतलब इमेज ऑफ टू अंडर द फंक्शन एफ। फोर किससे कनेक्टेड है, बी, तो बी किसकी इमेज है, फोर की इमेज है अंडर द फंक्शन एफ। सी क्या है, तो सी इमेज है, सी इमेज है किसकी, थ्री की इमेज है अंडर द फंक्शन। दैट इज, ये जितनी भी इमेजेस हैं उन सबको हम कौन से फॉर्म में लिख सकते हैं, एफ ए के फॉर्म में, ए यानी कि फर्स्ट एलिमेंट, एफ ऑफ द गिवन एलिमेंट, ये इमेज कौन से एलिमेंट की, एफ ऑफ द गिवन एलिमेंट, दिस इज कॉल्ड द एफ, ए इज कॉल्ड द इमेज, और एफ ए को अपन बी भी बोलते हैं, वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ फंक्शन एफ अंडर एफ ऑफ एन एलिमेंट, एलिमेंट अंडर एफ ऑफ ए भी लिख सकते हैं, इमेज ऑफ ए, एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज, और ए को क्या बोलेंगे, जो भी इसका अंदर वाला एलिमेंट आ रहा है उस अंदर वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, हम प्री इमेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, प्री इमेज बोलते हैं। वन इज कॉल्ड प्री इमेज, टू इज कॉल्ड प्री इमेज, थ्री इज ऑल्सो कॉल्ड प्री इमेज, फोर इज ऑल्सो कॉल्ड प्री इमेज। तो यहां बात क्या होगी, यहां पर
ये जो फंक्शन मैंने आपको समझाया है इसको अच्छे से आप एक बार और थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, है ना। सारे पॉइंट को एक बार फिर से क्लियर कर देता हूं मैं। फंक्शन के अंदर व्हाट इज फंक्शन, फंक्शन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन। एंड व्हाट इज डोमेन, डोमेन ऑफ फंक्शन इज द फर्स्ट सेट। इट मींस दैट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज कनेक्टेड और गिव्स ओनली अ फिक्स्ड इमेज और गिव्स ओनली एंड ओनली वन इमेज इन द सेट बी। सेट ए के हर एक एलिमेंट के लिए हमको कोई ना कोई एक इमेज हमको कहां मिलेगी, सेट बी में। अब क्या होगा, कोई भी सेट ए का कोई भी एक एलिमेंट दो इमेजेस फॉर्म नहीं कर सकता, बट सेट ए के दो अलग अलग एलिमेंट एक ही इमेजेस को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर जो इमेज है आपको पता है दैट इज कॉल्ड इमेज अंडर द एफ, और जो जिसकी इमेज है जैसे ए किसकी इमेज है वन की, तो वन इज कॉल्ड द प्री इमेज, वन को हम प्री इमेज बोल सकते हैं। व्हाट इज डोमेन, तो डोमेन क्या होगी फंक्शन के केस में, फर्स्ट सेट पूरा होगा, बट रेंज इज नॉट फिक्स्ड, क्योंकि रेंज के लिए हो सकता है कि इक्वल एलिमेंट जितने एलिमेंट फर्स्ट सेट में उतने ही एलिमेंट सेकंड बी में हो सकते हैं, या नहीं भी हो तो भी हम यहां से कह सकते हैं कि इसकी रेंज, जो जो इमेजेस हमको यहाँ पे मिली है उन सभी इमेजेस का अगर हम सेट बनाएंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी रेंज। तो मैंने आपको बताया भी था कि यहाँ पर मेरे पास डोमेन क्या बनेगी, 1, 2, 3, 4 यानी कि सेट ए, और इमेजेस में ए बी सी डी क्योंकि ई कनेक्टेड नहीं है। ये हमारा फंक्शन का जो बेसिक पार्ट है वो यहाँ सॉल्व हो गया। अब हम डिफरेंट टाइप के फंक्शंस आगे पढ़ेंगे।